हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं परवल की सूखी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ खाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। हमने गैस पे कढ़ाई रख लिया है। गैस को हम ऑन करेंगे और इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, यानी कि 1 बड़ा चम्मच। तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम उसमें फोरन डालेंगे। तो फोरन में हमने 1 चम्मच जीरा, 2 से 4 लौंग, 2 तेज पत्ती लिया है। इसे हम तेल में छोड़ देंगे और अच्छे से चटकने देंगे। फोरन अपना चटक चुका है, अब हम उसमें 1 बड़ा प्याज को बारीक काट लिया है, इसे डाल देंगे। प्याज को ब्राउन होने तक हमें भूनना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और बीच बीच में प्याज को चला चला के भूनना है। प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें दरदरा कुटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। तो 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं और इसे भी 1 मिनट तक प्याज के साथ हम भून लेंगे। हमने प्याज लहसुन को भून लिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से प्याज लहसुन भून चुका है। अब हम इसमें परवल डालेंगे। तो परवल को हमने ऐसे छिलके हटा लिए हैं और ऐसे ऐसे पतले पतले पीसेस में काट लिए हैं, क्योंकि हमें इसे फ्राई परवल बनाना है। हमने इस परवल को छिलका हटा लिया है और ऐसे पतले पतले पीसेस में काट लिया है, क्योंकि हमें फ्राई परवल बनाना है। तो हम एक परवल आपको काट के दिखा दे रहे हैं। परवल को सबसे पहले बीच से 2 पार्ट में ले लेना है। परवल में मोटी मोटी सीट नहीं होनी चाहिए और फिर हम इसको 2 से 3 बार ऐसे कट लगा लेंगे। तो आपको जैसे आसान पड़े, चॉपिंग बोर्ड पे पड़े, हाथ से पड़े, परवल को काट लीजिए। प्याज भून चुका है, अब ध्यान से देखिए, एकदम बारीक से गल चुका है अपना प्याज। अब हम इसमें कटा हुआ परवल डाल देंगे और इसे हम अच्छे से 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। आप देख सकते हैं हमने परवल को 6 मिनट तक प्याज लहसुन के साथ में भूना है। परवल थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला ऐड करने से पहले हम गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मसाला हमें 1 से 1.5 मिनट तक ही भूनना है परवल के साथ। मसाला भून चुका है, अब देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे टमाटर। तो टमाटर को हमने छोटा छोटा काट लिया है और इसे भी हम डाल के भून लेंगे। अब टमाटर हमने डाल दिया है तो इसी के साथ स्वाद के अनुसार हम नमक भी डालेंगे। नमक डाल दिया हमने, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हमने मिक्स कर लिया, अब हम परवल को ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो हम इसे कवर कर दे रहे हैं, गैस का फ्लेम हम मीडियम करके पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम कवर को हटा के एक बार चेक करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया कढ़ाही ने तेल छोड़ दिया है।
ठीक है, हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। टमाटर गल चुका है, एक हम परवल को आपको तोड़ के दिखा देते हैं, तो ऐसे आप भी देख लीजिएगा। परवल गल चुका है, अच्छे से उठ जा रहा है, यानी कि अपनी सब्जी परफेक्ट पक चुकी है। अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और थोड़ा सा बारीक धनिया पत्ता। जैसा कि सब जानते हैं, धनिया पत्ता से तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और इसे हम मिला लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, तो अपनी सब्जी जो है बनकर तैयार है। ये परवल की सूखी सब्जी बहुत ही सुंदर लगता है, तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। परवल की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी, चपाती, पूरी, पराठा के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सब्जी है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।